नमस्कार दोस्तों, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पीजी फोर सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है लाइव इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पर आना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यूनिवर्सिटी वाले कॉलम में चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पीजी फोर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन होगा। आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट कब तक है। बाद में डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल जो है इतना दिखा रहा है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, फुल वीडियो लिंक यहाँ पे है। तो क्लिक करके आप वीडियो भी देख सकते हैं, एग्जाम प्रोग्राम भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो उसके लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग स्टार्ट हो गया, तो टाइमिंग खत्म होने तक इंतजार करना है। तो यहाँ पे देखिए अब टाइमिंग खत्म होने वाला है और नया लिंक ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइव देख सकते हैं दोस्तों ओपन हो गया ऑटोमेटिक, इस तरह से खुल गया। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक किया दोस्तों हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यूजर नेम में आपको अपना रोल नंबर देना है, पासवर्ड में जो पार्ट थ्री थर्ड में यानी कि सेमेस्टर थर्ड में एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त जो ईमेल आईडी दिए थे वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दर्ज करना है। यानी कि यूजर नेम में रोल नंबर और थर्ड में जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे उसमें जो ईमेल आईडी दिए वही ईमेल आईडी यहाँ पे भर के साइन इन कर लेना है। अगर आपका ईमेल आईडी या रोल नंबर वगैरह भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दोस्तों रोल नंबर और पार्ट थर्ड में जो यानी कि सेमेस्टर थर्ड में जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी दिए हैं वो यहाँ पे पासवर्ड में भर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने रोल नंबर यानी कि सेमेस्टर थर्ड का रोल नंबर और यहाँ पे सेमेस्टर थर्ड में जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे उसमें जो ईमेल आईडी दिए थे वही ईमेल आईडी हम यहाँ पे भर दिए हैं। अब हम यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ओपन होगा एडमिट कार्ड, एग्जाम फॉर्म, बैक एग्जाम फॉर्म, फॉर्म प्रीव्यू, मेक पेमेंट, इस तरह से करीब जो है 5 ऑप्शन खुलेगा, जिसमें कि आपको जो पिछले ईयर के यानी कि बैक सेशन के हैं वो बैक एग्जाम फॉर्म भरेंगे, जो रेगुलर सेशन के हैं वो एग्जाम फॉर्म भरेंगे। जैसे कि अभी देखिए 20 से 22 वाले सेशन है तो वो एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपका कोर्स का नाम रहेगा, यहाँ पे सेमेस्टर रहेगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट रहेगा और यहाँ पे एडिट या व्यू का नाम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो आपको कहना कि ये जो वाला आइकन है ना इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डिटेल्स ओपन हो जाएगा। देखते हैं स्टेटस ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन लिखा रहेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप में कंप्लीट करना है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल्स भरना है, एकेडमिक डिटेल्स और फोटो सिग्नेचर, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर प्रीव्यू दिखाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे पास इस तरह से ओपन होगा, जो कि पहले से भरा हुआ है, आपका भी पहले से भरा हुआ रहेगा। सिर्फ आपको जाँच कर लेना है कि जो डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है वो 100% करेक्ट है या नहीं, तो आपको यहाँ पे जाँच कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सभी डिटेल्स को अच्छे से दोबारा से जांच कर लेना है, देख सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने एड्रेस रहेगा। अब दोस्तों आपको करना क्या, आपको यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पर चेकबॉक्स पर यहाँ जो है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये दोस्तों दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू करके पूरा इसी तरह का स्टेप फॉलो करते हुए आपको एप्लीकेशन पूरा भर लेंगे। भरने के बाद पेमेंट कर देंगे, पेमेंट होने के बाद आपको प्रिंट आउट करके अपने कॉलेज में जमा करना है। अगर आप पूरा वीडियो चाहते हैं इसका तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा छात्र नहीं है जिसका कि हम एग्जाम फॉर्म भर के आप लोगों के सामने दिखा पाएं। तो आपको करना क्या है, कोई अगर स्टूडेंट कोई है जो एग्जामिनेशन फॉर्म भराना चाहते हैं सेमेस्टर फोर का, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर डायरेक्ट एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद।